नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं शिवानी। मधुबनी नरसंहार के मामले के बाद कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता दें कि कांग्रेस की 6 सदस्य की टीम मधुबनी का दौरा करके लौटी, जिसके बाद कांग्रेस नेता अवधेश सिंह की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अवधेश सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार जातीय उन्माद में राज्य को झोंकना चाहती है। पीड़ित परिवार से अभी तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिले। मिथिलांचल में इस तरह की घटना की शुरुआत हुई है। सरकार इस पर सचेत नहीं हुई तो इस तरह की घटना बढ़ेगी। 5 बार बिहार के डीजीपी से मोहम्मदपुर घटना की पूरी जानकारी उनको प्राप्त हुई, उन्होंने निर्देश दिया, आईजी उनको ब्रीफ किए। मुझे भी लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील तरीके से मोहम्मदपुर घटना पर अपना ध्यान रख सकते हैं। जब वहां गए तो जो आईजी की बात माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, आईजी तो उस गांव में गया ही नहीं। एसपी जिसकी पूरी जवाबदेही होती है पूरे जिले का, एसपी मोहम्मदपुर गांव गया ही नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। धन्यवाद।